1965 की जंग में पाकिस्तान को एक घंटे के अंदर घुटनों पर ला देने वाले भारतीय वायुसेना के पहले और जाबाज मार्शल अर्जुन सिंह को आज नम आंखों के साथ आखिरी विदाई दी गई। दिल्ली के बारर स्क्वायर में अर्जुन सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मार्शल को 17 तोपों और फ्लाई पास्ट से सलामी दी गई, तो वहीं पीएम मोदी से लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्शल अर्जुन को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ, नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा, थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मार्शल अर्जुन को अंतिम विदाई देने के लिए राजनेताओं से लेकर बड़े बड़े लोगों का तांता लगा हुआ है। तो 58 साल के मार्शल अर्जुन सिंह वायुसेना के एकमात्र अधिकारी थे जिन्हें 5-स्टार रैंक दिया गया था। आज उनके सम्मान में सभी सरकारी इमारतों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है। तो 44 वर्ष की उम्र में मार्शल अर्जुन को भारतीय वायुसेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे उन्होंने शानदार तरीके से निभाया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।